कि इंडिया अलायंस टिक नहीं पाएगा, इंडिया अलायंस गिर जाएगा, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है। किस तरीके से आप देखते हैं इस तरह के जो बयान निकल कर आ रहे हैं इंडिया अलायंस को लेकर? जितना वो बयान दे रहे हैं, जितना प्रधानमंत्री बार बार जिक्र कर रहे हैं, नए नए नाम दे रहे हैं, ये साबित करता है कहीं ना कहीं डर है। और पिछले चुनाव तक जो उनका पूरा प्रचार था वो ये कहते थे कि मजबूरी है मोदी जी, तो उनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं, सारी पार्टियां बटी हुई हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रयोग हो रहा है, प्रयास हो रहा है और सार्थक साबित होगा। आसान नहीं होता, सभी पार्टीज की अपनी विचारधारा है, अपने वर्कर हैं, पॉलिटिकल एम्बिशन वाले पालने वाले लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबका समावेश करके पहली बार इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अंजाम तक बात पहुंचेगी। इंडिया का अपना एक विजन भी है, मुद्दों की भी हम बात करते हैं, मुंबई में भी इस विजन पे हम बातचीत करेंगे। और बहुत ही एक आकर्षक जो देश के लोग, देश की जनता चाह रही है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, जो उनके असल मुद्दे हैं उनको लेकर हम चलेंगे और चुनाव लड़ेंगे। आपको लेकर भी बहुत इंडिया अलायंस का भी एनडीए से भी आपको जोड़कर दिखाया जाता है। जो मुझे नहीं समझ पाए अब तक वही इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत ही जिद्दी आदमी हूँ और जब कह देता हूँ, मन बना लेता हूँ तो बदलता नहीं।